नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू आवर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटिंग यूट्यूब चैनल DMS। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। अ पर्सन हु इज इन कार्डियक अरेस्ट बिकम्स अनकॉन्शियस, इज नॉट रिस्पॉन्सिव, स्टॉप्स ब्रीदिंग एंड डज नॉट हैव अ पल्स। मतलब कि जब कोई पर्सन कार्डियक अरेस्ट में होता है तब वह अनकॉन्शियस हो जाता है, कॉन्स नहीं कर पाता और उसका ब्रीदिंग रुक जाता है और पल्स भी रुका हुआ मिलता है। फॉर नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अ पर्सन हु इज अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग इज सेट टू बी इन कार्डियक अरेस्ट। नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी कहना है कि जब कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है और उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कार्डियक अरेस्ट होने के कुछ मुख्य कारण। सडन कार्डियक अरेस्ट मे बी कॉज्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। सम इम्पॉर्टेंट काउजेज इंक्लूड हार्ट अटैक, सीवर ब्लड लॉस, सफोकेशन, इलेक्ट्रिक शॉक, सीवर एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग ओवरडोज, ड्राउनिंग एंड हाइपोथर्मिया एंड अंडरलाइंग हार्ट डिजीज। सडन कार्डियक अरेस्ट होने के काफ़ी सारे काउजेज हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काउजेज है हार्ट अटैक, जो कि मेजर काउजेज होते हैं। हार्ट अटैक होने पे सबसे ज़्यादा चांस होता है कि पर्सन कार्डियक अरेस्ट में हो। उसके बाद आता है सीवर ब्लड लॉस, यानी कि कभी किसी एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो इस समय भी पर्सन कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। अगला कारण है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन होना। अगर कोई पर्सन कहीं किसी बंद कमरे में रह जाता है तो उसे घुटन महसूस होती है और वह कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाने पे वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। अगला कारण है सीवर एलर्जिक रिएक्शन और ड्रग ओवरडोज। काफ़ी बार देखा गया है कि एलर्जिक पेशेंट घबरात कर कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं और कुछ पेशेंट ड्रग्स का ओवरडोज लेकर कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। अगला कारण आता है ड्रॉविंग और हाइपोथर्मिया। ड्रॉविंग का मतलब होता है पानी के अंदर घुटन या फिर पानी के कारण घुटन होना। जब कोई व्यक्ति तैर नहीं पाता है, पानी में डूब जाता है तो उसे घुटन महसूस होती है, तब वह कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और आखिरी कारण है अंडरलाइंग हार्ट डिजीज। अगर कोई पेशेंट को काफ़ी समय से हार्ट डिजीज है तो उसे कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट होने पर हमें उस पर्सन को जितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जाने कि जिस पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, पल्स नहीं चलने लग जाता है। ऐसे में हमारे बॉडी में और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन और बॉडी के सेल्स मरने लग जाते हैं। ऐसे में हमें तब तक उस पेशेंट को CPR देना चाहिए जब तक वह डॉक्टर के पास न पहुंच जाए। CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसस्सिटेशन। CPR एक प्रोसेस होता है जिससे कि हार्ट को आर्टिफिशियली पंप कराया जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाए और ऑक्सीजन की कमी ना हो।
किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होने पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर एयरवे, यानी कि उस पर्सन को उसके पीठ के बल लेटा देना चाहिए और उनका मुंह और नाक सही से खोल देना चाहिए जिससे कि एयर पास हो सके। उसके बाद है चेक फॉर ब्रीदिंग, उनका ब्रीदिंग चेक करना होता है जैसे कि वह ब्रीथ ले पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि 30 बार चेस्ट में कंप्रेस करना होता है, इसी को कहा जाता है CPR। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना चाहिए, यानी कि मुंह से फूंक मारना चाहिए ताकि अंदर हवा जा सके, और उसके बाद रिपीट अंटिल एन एम्बुलेंस और AED अराइव, यानी कि यह प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना चाहिए जब तक कोई एम्बुलेंस या फिर AED पहुंच ना जाए पेशेंट तक।